हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आपने करंट और स्टैटिक वाला वीडियो देख लिया होगा जो मैंने सुबह अपलोड किया था। तो अभी मैं ये अपलोड नया वीडियो कर रहा हूँ जिसमें NCW के बारे में बताऊँगा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। ये क्या चीज़ है, क्या इसका काम होता है। नेशनल कमीशन ऑफ ये क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इज ए सेचुरेटरी बॉडी है। सेचुरेटरी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट जब एक्ट करके बनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली कंसर्न विद द एडवाइजिंग ऑफ द पॉलिसी मैटर द एक्टिवेटिंग वूमेन के लिए। इसका भी इस्टेब्लिश हुआ था 31 जनवरी 1992 में। ये प्रोविज़न लाया था कि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न लाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन एक्ट 1990 नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर आया था। इसके अंदर चेंज हुआ था एट द फर्स्ट कमीशन ऑफ जयंती पटनायक, जो कि कब हुआ था, 30 नवंबर 2018। अभी इसके चेयरमैन कौन है, रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा अभी इसकी चेयरमैन है प्रेजेंट में। आगे देखते हैं क्या है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फॉर्म कब हुआ था, 1992 में। मैंने ये बताया था 1992 में फॉर्म हुआ था। बट यहाँ पे देखो एक और चीज़ बताता हूँ, 1992 में फॉर्म हुआ था, लेकिन देखो यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट, ये कुछ एक्ट हुआ था ना इसमें, जो ये देखो यहाँ पर जो जनता पहली बनी है। ठीक है, 1992 वाला मैंने बताया, इसको फॉर्म हुआ है, फॉर्म को हुआ 1992 में। डेट मैंने पीछे बता दें। जुडिशन किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नई दिल्ली में। जो प्रेजेंट में इसकी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमीशन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा। अभी रेखा शर्मा को देखते हैं कौन है, क्या से ये है रेखा शर्मा है। ये इन्होंने DAV कॉलेज देहरादून उत्तराखंड से इन्होंने अपना कॉलेज किया, ग्रेजुएट किया। और ये क्या पे डिप्लोमा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी रह चुकी है ये रेखा शर्मा, एज ए करेंट NCW की अभी कौन है, चेयरपर्सन है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये मैंने और लिस्ट लगा रखी है जिसमें आप सब कुछ देख लोगे, पहला कौन था, सेकंड कौन था। देखो जूम नहीं हो रहा ये, अभी देखो आपको दिखाता हूँ कौन सा था। ये था ना, ये देखो पहली कौन थी, फर्स्ट जो फर्स्ट नंबर बनी थी जयंती पटनायक। ये कब फॉर्म, ये बनी थी 3 फरवरी, इतने से इतने तक के बीच में रही थी। ऐसे यहाँ पे लिस्ट लगी है। दूसरी कौन सी थी, वी मोहिनी गौरी, इनका फ़ोटो नहीं है, इनका भी नहीं है। इसके बाद पाँचवें नंबर पे ये थी, आठवें नंबर पे ये थी, और जो प्रेजेंट में अभी है रेखा शर्मा, जो इनका प्रेजेंट में है, जो 7 अगस्त 2018 को फॉर्म हुई थी, और अभी प्रेजेंट में यही है। ठीक है, आगे, हाँ आगे देखते हैं हम। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन सेचुरेटरी बॉडी जो मैंने बता दिया आपको, जब वो ना था इस्टेब्लिश हुआ था रेखा शर्मा इसकी प्रेजेंट में। अभी इसके लिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च व्हाट्सएप नंबर, अभी लॉन्च किया गया रिपोर्ट इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ द कोरोना वायरस। अभी कोरोना वायरस की वजह से सब लॉक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज़ करा है, जबकि उसको कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी NCW की कोई भी प्रॉब्लम है, नेशनल वुमेन कमीशन से कोई प्रॉब्लम है, तो वो व्हाट्सअप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे शेयर कर सकता है, बता सकता है, जिस पर एक्ट करा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझा हो NCW होता क्या, क्या काम करता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ। और मैं आपके लिए ज्योग्राफी और पॉलिटी पर वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप कमेंट में मुझे बताएँ। और थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।